बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ऑटो अपडेट फार्मूले के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा ऑटो अपडेट फार्मूला, फार्मूले को आप ऑटो अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम जो है वो एक जो फॉर्मेट जो आप देख सकते हैं हमने तैयार किया है, इस फॉर्मेट के ऊपर जो हम अप्लाई करके देखेंगे कि आपका जो फार्मूला कोई भी होगा, चाहे जितने फार्मूले आपने अप्लाई किए हैं, तो वो ऑटोमेटिक फार्मूले आपके कैसे काम करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप कोई एंट्री करते हैं और आप यहाँ पर कोई रिमार्क्स देते हैं और यहाँ जो फार्मूला जो भी आप लगाए वो ऑटो यहाँ पर आपका अपडेट होता रहे। अब वो कैसे होगा, अब जैसे मैं यहाँ पर एवरेज का फार्मूला जो है वो यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने एवरेज का फार्मूला अप्लाई कर दिया और नंबर्स वन के अंदर जो है मैंने तमाम जो हमारे सब्जेक्ट के नंबर्स है इनको हमने ऐड कर दिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर जो है वो एवरेज आ चुका है। अब इस फार्मूले को मैंने कर देना है ड्रैग। अब जैसी मैं यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नेम एजाज, अब यहाँ मैं नंबर्स ऐड कर रहा हूँ। तो जैसी मैं नंबर ऐड कर रहा हूँ तो मेरा जो फॉर्मूला है वो ऑटो अपडेट नहीं हो रहा, इसका मतलब मुझे इस फॉर्मूले को ड्रैग करना पड़ेगा तो ही मुझे यहाँ पर आंसर निकाल के देगा। अब ये ऑटो किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, आपने करना ये है कि पूरा टेबल जो है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ आपके पास फॉर्मेट एज टेबल के ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और माई टेबल हैज हेडर पे चेक लगा रहेगा, इसको आप ओके कर देंगे। अब आपका जो टेबल है वो आपका जो है फॉर्मेट टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट एंट्री करें, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया ताहा, तो देखें रॉ और आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो ऑटो यहाँ पर अपडेट हो गई। अब जैसे मैं यहाँ पर नंबर्स ऐड करूंगा तो देखें नंबर्स के हिसाब से वो आपको एवरेज भी जो है वो कैलकुलेट करके दे रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर नंबर्स ऐड कर देंगे तो ये टोटल जो आपकी एवरेज है वो आपके पास कैलकुलेट होके आ चुकी है। तो अब इसमें चाहे जोन से भी फॉर्मूले हो, जितने मर्जी फॉर्मूले हो, वो ऑटो अपडेट होते रहेंगे। चले एक एंट्री हम यहाँ पर और कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री की और यहाँ पर मैंने नंबर्स ऐड करना शुरू कर दिए, जैसे नंबर ऐड कर रहा तो उसी हिसाब से जो है वो आपका फॉर्मूला भी ऑटो अपडेट की तरफ जाते जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मूले को अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।